इस वक्त जो है हम मैं जो है अपनी मोटरसाइकिल लेके आया हूँ और ये जो है बाइक कॉर्नर है। यहाँ मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, ये सामने देखें ये मोटरसाइकिल है, इसको तकरीबन एक महीना हो गया है और एक महीने के बाद ये जो है इसकी बोला था या तो एक महीना हो जाए या 1000 किलोमीटर हो जाए तो इसकी जो है पहली सर्विस करवा ली जाए। तो मैं आज इसको पहली सर्विस के लिए लेके जाता आया हूँ और अब इसको लेके चलते हैं सर्विस स्टेशन पे। ये देखें यहाँ मोटरसाइकिल मुख्तलिफ खरीब है, ये पूरा यामाहा का वो आउटलेट है और यहाँ पे है ना मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिल आप ले सकते हैं, किस्तों पे भी ले सकते हैं, नकद पे भी ले सकते हैं। तो ये बाइक कॉर्नर है, यूपी मोड़ पे होता है। ये देखें ये पूरा एड्रेस है, ये देख लें आप, सही है। और अब इसको हम अंदर लेके जाते हैं। यामाहा YBR-G मोटरसाइकिल है, ये मैंने 23 दिसंबर को ली थी और जो है उसके बाद अब इसको तकरीबन एक महीना हो गया है। अब इसको हम सर्विस स्टेशन पे लेके जाएंगे कि जो के बराबर में है। ये देखें ये है सर्विस वर्कशॉप इनकी, ये देखें बहुत अच्छी इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा सेटअप है इनका और अब बहुत अच्छा अखलाक है इनका जो स्टाफ है। और अब जो है हम इन्हें अंदर लेके जाएंगे और अपनी मोटरसाइकिल की पहली जो सर्विस है वो करवाएंगे। ये दोस्तों देखें मोटरसाइकिल जो है हमने ऊपर लगा दिए और अब जो है यहाँ पे हमारे ये सेटअप है यहाँ पे बहुत अच्छा। तो अब इसका है ना यहाँ पे हमजा भाई हैं, ये देखें हमजा भाई ये बहुत यहाँ पुराने हैं और ये जो है अच्छा पुराने वो हैं ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर अपना नाम बताएं पहले तो। आप अहमद भाई मुझे ये बताइए कि ये मोटरसाइकिल जो है इसमें अभी आप बुनियादी तौर पे, क्योंकि अभी इसके 486 किलोमीटर हुए हैं, ज़्यादा तो हुए नहीं है, तो इसमें ऑयल वगैरह तो चेंज नहीं होगी, तो आप इसमें अभी क्या करेंगे? ऑयल इसका 700 या 800 पर चेंज होगा, अभी इसकी ट्यूनिंग करेंगे, सही है, बॉडी वगैरह टाइट करेंगे, जो भी लूजिंग है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि आपका महीना पूरा हो गया। सही, महीना तो मेरा पूरा हो गया, मुझे यही कहा गया था महीना ही पार्ट ज़ाया हो जाएगा अगर हम इसको 1000 किलोमीटर तक चलवाएंगे। सही, पार्ट ज़ाया हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अच्छा अभी जो है इसके हम क्या क्या करेंगे, नट बोल्ट वगैरह, चेन वगैरह, फिल्टर, चेन, ब्रेक, अच्छा ये देखें ये हमने लगा दिए यहाँ पे ऊपर। अच्छा इस मशीन को क्या कहते हैं? लिफ्ट। ये देखें हमने लिफ्ट को पे लगा दिए और ये हमजा भाई हैं, इन्होंने साइड कवर खोला है और इसके जो बुनियादी मसाइल हैं जैसे फ़िल्टर वगैरह है वो ये साफ़ वाफ कर देंगे, नट बोल्ट टाइट कर देंगे। ऑयल अभी इसमें चेंज नहीं होगी, सर्विस और ट्यूनिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि अभी ये बहुत चली कम है और क्योंकि मेरी खुद की भी रनिंग बहुत कम है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो ऑफिस है ऑफिस यूज़ के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इस मोटरसाइकिल को ज़्यादा और ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ। फिर ये कराची में पिछले दिनों मौसम इतना जो था ख़राब चल रहा था कि यहाँ पे हर दूसरा बंदा बीमार पड़ गया था, तो भाई मुझे भी असर हुआ था, मुझे खांसी बुखार हो गया था, तो तकरीबन 6 से 8 दिन तक तो मैं चला भी नहीं पाया था, 4 दिन तो मैं बिस्तर पे ही पड़ा था। अभी भी हमारे शहर में बहुत से लोग बीमार हैं, तो मेरा ये है कि अब ये सर्दी जारी है, अल्लाह ताला से चाह तो सब ठीक हो जाएगा। और ये देखें इन्होंने खोल दिया और ये अंकल आ गए, इख्तियार अंकल हैं, यहीं पे होते हैं और ये अभी अभी मैंने जो इन्हें बुक दिया था ये चेक कर रहे हैं, ये अपने सारा देख रहे हैं इसके अंदर। जी अंकल, अच्छा इसमें एक चीज़ और है हमजा भाई, ये देखिएगा इस मैंने जब ये शुरू ली थी ना, जब से ये मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ इसमें, ये फुटरस है ना हमारे भाई, फुटरस में वाइब्रेशन में फील कर रहा हूँ, हालांकि नॉर्मल चल रही है 30-40 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर भी चल रही है ना स्पीड में, तो जब भी ये इसमें वाइब्रेशन फील हो रही है मुझे और नॉर्मल फील हो रही है। टैपेट वैपेट तो टाइट नहीं होंगे ना इससे अभी?
हाँ चेक करने पड़ेंगे। अच्छा ऑयल मुझे 700 किलोमीटर पे करा लेना है, मतलब अच्छा ये रहेगा कि मैं 700 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करवा लूँ। मैं तो अभी भी कराने के लिए तैयार हूँ। 400 साढ़े 400, अभी कितने 486 किलोमीटर हुए, लेकिन आप बोलें कि ना ही कराओ तो अच्छा है, बेहतर। आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों का सुबह शाम का यही काम है। वैसे दोस्तों ये बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल है और चलाने में मज़ा आता है। इससे पहले जो थी ना मेरे पास वो 70cc थी, वैसे तो 125 भी है मेरे पास होंडा की, लेकिन ये कि मैंने तो ये शौक में ली थी और जो है कि मुतमईन हूँ इस मोटरसाइकिल से। हालांकि मेरे दोस्तों ने कहा था कि आप 150 ले लें सुजुकी की, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो लोग, लेकिन वो ट्यूरिंग ज़्यादातर लोग ट्यूरिंग के लिए लेते हैं और मेरा तो कोई ऐसा दिलचस्पी है नहीं कि ट्यूरिंग या वगैरह। मुझे तो आमतौर पे इसलिए चाहिए थी रोज़मर्रा के मामलात के लिए और एक शौक पूरा हो जाए, तो ये शौक में मुझे अच्छी भी लगी थी तो मैंने इसको पहले तरजीह दी थी, ये वजह थी सारी। दोस्तों ये पहले ट्यूनिंग के लिए आए थे, ट्यूनिंग तो इसकी बहरहाल नहीं हुई क्योंकि इसके किलोमीटर कम थे, लेकिन यहाँ पे जो नट बोल्ट हैं और जो बैटरी का पानी है और जो ब्रेक शू हैं, अगले ब्रेक है, पिछला ब्रेक है, और जो इसकी दूसरे फिल्टर है और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो सब जो है चेक कर लिया है अमाद भाई ने हमारे। और अमाद भाई मुझे बताइएगा कि आप इसकी क्या है? मैं एहतियात क्या करूं कि जैसे एहतियात भाई ऑयल की है, बस आप ऑयल टाइम पे इसका चेंज करें और अगर ट्यूनिंग करा कर दें बाकी इंशाल्लाह सही है। सब सही हाँ है बाप, वाकई बाइक तो अच्छी है। अच्छा मुझे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे बताइए ये जैसे कि अब ये अब मैंने कर लिए और इसमें जो थोड़े बहुत वाइब्रेशन के इशू आ रहे थे क्योंकि नई मोटरसाइकिल थी, इतनी जगह भी बना रही होगी, इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स भी, मतलब जाहिर सी बातें नए होते हैं तो वो घिसते हैं अपनी जगह बनाते हैं, सही है। तो ये अब ये मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगी, ऑयलिंग चेन में आपने देख ली, चेन हो गई और जो दूसरे चेन कलच ये सब चीज़ें, ये हवा और ये जो सब चीज़ें सही है। बहुत शुक्रिया आपकी। तो दोस्तों देखा आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था, मतलब ट्यूनिंग के लिए और सर्विस के लिए, सर्विस ये करवा लिए। और मैं वैसे तो मैं यहाँ बाइक ऑनर है ये यूपी मोड़ पे, मैं यहाँ पे बहुत मुतमईन हूँ और इसी वजह से गलबन दूसरी जगहों पे भी मोटरसाइकिल अवेलेबल थी, लेकिन मैं ये ख़ास तौर पे आया यहाँ पे। जो हमारे फैज़ान भाई होते हैं मैं उनसे रबते में रहा था क्योंकि मुझे जब ये लॉन्च हुई थी ना 2015 में हुई थी, जब ही मुझे बहुत पसंद आई थी मोटरसाइकिल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैं आहिस्ता पैसे जमा करता रहा और फिर अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे कुछ पैसों का इंतज़ाम हो गया। तो फिर मैंने फैसला तो ये किया था कि मुझे लेनी ही यही है, लेकिन ये कि 150 सुजुकी की नहीं लेनी, मुझे लेनी ही यही है। तो फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पे हमारे शहजाद भाई हैं और क्या बोलते हैं अस्करी भाई हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं और इनसे मैंने मोटरसाइकिल यहाँ परचेज़ की और मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। और अभी देखें इसका आपको एक और चीज़ भी बता दूं, ये 23 दिसंबर को मैंने 2019 को ली थी और ये अभी इसका ये देखें इसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई है, ये इंशाल्लाह इसी हफ्ते में शायद आ जाएगी। तो ये कि ये नई मोटरसाइकिल है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं आपको हमेशा ये शुरू जब से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इसके जो है किलोमीटर कम हुए, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सिर्फ कितनी चली हुई है। और ये मैं जो कह रहा था वही कह रहा था, और बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। तो अगर आप ये चाहें तो ख़ुद भी आप ये परचेज़ करें। ये इनका सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप, इन्होंने सर्विस स्टेशन बनाया हुआ है और यहाँ से आप जो जिस हमारे भाई दोस्त को लेनी हो या अपनी सर्विस करानी हो या हमारे मोटरसाइकिल की, तो यहाँ पर आ सकते हैं वो।